हेलो, फ्री फायर गेमर्स लीग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इलाइट पास नया वाला आ चुका है और मैं अभी ले रहा हूँ इलाइट पास। तो आप लोगों को भी अगर लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये जो इलाइट पास है तो एक्चुअली आजकल का इलाइट पास बंडल के लिए लोग नहीं ले रहे, जो एक इमोट मिलता है उसके लिए ले रहे हैं। तो ये वाला जो इलाइट पास आया है तो इसका इंट्रो भी काफ़ी बढ़िया है, और ये जो ड्रेस है, जो बंडल है, ये भी आप बुरा नहीं बोल सकते, अच्छा है। तो फेंक नहीं सकते, पसंद आएगा सबको। तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए अपग्रेड। मैं 400 डायमंड से अभी कर रहा हूँ अपग्रेड इलाइट पास। तो इसके बाद जो मेरा मिशन है सब खुल जाएगा इलाइट पास का, उसके बाद मैं वेटरन का मिशन अनलॉक करूँगा। तो यहाँ पे बस शुरू में आपको एक ड्रेस मिल जाएगा, जैसे मेरे को मिल गया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इलाइट पास लेना चाहते हो, देर मत करिए, जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि 200 बेजेस होने के बाद आपको एक बहुत बढ़िया सा इमोट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक बंडल जो फीमेल का बंडल है, ये आपको मिलेगा। और मैं सारे चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत पहले ही ये सब वीडियो मिल चुका होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ड्रेस है, बंडल है फीमेल का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद ये जो बैग है, तो ये बैग भी दिखने को अच्छा लग रहा है, ये लूट बॉक्स नया वाला न्यूक्लियर वारहेड। तो इसके बाद ये जो गन की स्किन, ये हाथी के दांत जैसा है, दिखाने के और खाने के और मतलब कुछ काम नहीं आएगा, इसका डैमेज कुछ बढ़ेगा नहीं, सिर्फ आपका जो स्किन का कलर है वही आपको थोड़ा यूनिक लगेगा, अलग दिखाएगा। तो इसके बाद M4V1 का भी कलर दिया है और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया सा बैग आप लोगों को मिलेगा, ये जो इलाइट पास है इसमें। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है ये है, ये वाला जो इमोट है, डेविल्स मूव। तो ये इस इमोट के लिए बहुत सारे लोग ले लेंगे इलाइट पास, तो लेना चाहिए सबको, क्योंकि भाई जो ये बंडल है फीमेल का, मेल का, अगर आप अभी नहीं ले रहे हो, बाद में आपको कभी लगे कि अभी हमको लेना चाहिए, तो ये दो जो बंडल आपको 400 डायमंड में मिल रहा है, उसके लिए आपको एक टाइम पे चुकाने पड़ेंगे 5000 डायमंड। जैसे नंबर दो का जो इलाइट पास था हिप हॉप वाला, उसका जो डिमांड मार्केट में आए थे, तो वो 2500 डायमंड में रैंडमली दिया गया था। तो आपके ऑप्शन जब आपके हाथ में है तो आप लोग ले लीजिए, देर मत करिए, कभी बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो पहला मिशन है, जीप लाइन 100 मीटर जीप लाइन, आपको कैसे यूज़ करना है, तो वो मिशन यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसके बाद सारा जो टास्क है, सभी टास्क के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ टास्क के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मेरे को कस्टम रूम भी मिल गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जीप लाइन वाला टास्क कैसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, और जीप लाइन वाला जो टास्क है वो तो एकदम ही ईजी है। आपको क्या करना है, सोलो मैच आप चूज़ करिए क्लासिक का, और सेंटोसा के वहाँ पे जो जीप लाइन होते हैं आजकल, तो वहाँ पे चले जाइए। पुरगटरी मैप में क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे बोट्स नहीं आते, रियल बंदे आते हैं, वो आपको मार देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना मिशन कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है, इलाइट पास का हो, वेटरन का हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे जीप लाइन होते हैं आजकल सेंटोसा में, सॉरी बरमुदा में बहुत सारा जीप लाइन आ गया है, तो उस जीप लाइन से आप लोग जा सकते हैं। तो सेंटोसा का जो जीप लाइन होता है वो आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि पीक के आसपास का जो जीप लाइन होते हैं, यहाँ पे बंदे होंगे और आपका जान जाने का खतरा भी यहाँ पे बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो जीप लाइन होते हैं, लगभग मैंने ये तो एक्चुअली मेजर नहीं किया, लेकिन मेरा जो आइडिया है, अनुमान है, तो एक जो जीप लाइन होते हैं लगभग 200 मीटर के आसपास होते हैं। तो आपको 1000 मीटर का जो दूरी है वो तय करना है, तो उसके लिए आपको 5 बार जीप लाइन से जाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग जीप लाइन से जाए, तो एक ही जीप लाइन से आप 5 बार आइए और जाइए, ऐसे करते करते जो आपका टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा ये मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है, तो आराम से आप कर सकते हो। तो ऐसे करते करते आपका जो टास्क है बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको सोलो क्लासिक मैच चूज़ करना है, और वहाँ पे बढ़िया से आपको जाना है सेंटोसा की जो जीप लाइन है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको एक कोई भी जीप लाइन आप चूज़ करिए, वो 5 बार उस जीप लाइन से जाइए और आइए।
तो आपको अगर लगता है 5 बार में नहीं होगा तो 6 बार कर लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है 6 बार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो जिप लाइन का डिस्टेंस है 200 मीटर से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने 5 बार कर लिया, 5 बार करने के बाद मेरा हो गया कम्प्लीट। तो आप लोग भी ये वाला टास्क बढ़िया से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको रैंक मैच खेलना पड़े या फिर दूसरा मैच खेलना पड़े। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका टास्क कंप्लीट हो तो ये वाला ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो चलिए, कंप्लीट होने को है मेरा टास्क, इसके बाद आप लोग देखिए कि मेरा टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1000 जो मीटर है वो मैंने कर लिया जिप लाइन यूज़ करके। मेरा जो टास्क था, मिशन था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके साथ साथ मेरे को 8 बैच इसका मिल गया है और डेली का जो मिशन है उसका भी बैच मेरे को मिल गया। तो वो सब बैजेस मिला के मैं अभी वेटरन का जो टास्क होता है वो मैं अनलॉक कर सकता हूँ, जिसके लिए आपको 10 बैजेस की ज़रूरत है। जिसने वेटरन इलाइट पास नहीं लिया उसको तो 2 दिन का टाइम लगेगा, डेली मिशन पास करके करने के बाद 10 जब बैच मिलेगा तभी वो वेटरन का जो मिशन है वो अनलॉक कर पाएगा। और जिसने इलाइट पास ले लिया उसका तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। तो चलिए, ये वाला देखिए, वेटरन मैंने अनलॉक कर दिया, अभी मेरे को मिलेगा नया चीज़।